गाली दो, मुझे अपनी जिंदगी के मुतलक कहना मुझे बहुत तकलीफ दे मालूम होगा। जिंदगी ही इंसान की मुश्किलात में पकी होती है। इन मुश्किलात में जो जिंदगी गुजारता है और पार होता है वही कामयाब होता है। मेरी माँ का भी यही मकसद था कि मेरा बेटा कलेक्टर बने। कलेक्टर तो नहीं बना, लेकिन कलेक्टर बनने वालों को बना रहा है, बनाए। ये मेरी माँ की दुआएं थी और हर माँ यही चाहे कि उसकी औलाद कुछ बन सके और इंसानों की खिदमत कर सके और दीन का नाम जगाए। ये अजीम मकसद है इंसान के जीने का। आज हम देख रहे हैं कि हमारी कौम किस तरीके से गुर्बत में डूबी हुई है और किस तरीके से जाहिल बनी हुई है। जहालत इंसान के लिए एक बला है। जहालत इंसान के लिए एक गोया एक बहुत बड़ी बला है। इस बला को दूर करने के लिए ही ये इल्म है। इस बला को दूर करने के लिए ही ये इल्म है। इल्म के बिना इंसानी जिंदगी कभी सुधर नहीं सकती। इल्म के बिना आज जितने भी मोहल्ले में काम करने वाले, जो मैं सरदार हूँ, मैं मोहल्ले का बानी हूँ, मोहल्ले का करता धरता हूँ, ये जो समझता है उसको ये किस बात का ख्याल रखे, किस तरीके से एक मीटिंग आपने लोगों की बुलाए मोहल्ले में और किस तरीके से तालीम के सिलसिले में जाकर दीगर मदरसों में जहाँ अपने बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ जाकर इंक्वायरी करें। तो ये जब कहे आपने ये कौम की किस्मत सुधर सकती है, कौम की किस्मत सुधारना कोई कुर्बानियां देना आसान बात नहीं है। इंसान बेमकसद इंसान हैवान है।